प्लान कर रहे हैं। तो वो भी बेसिकली उसी का ही पार्ट है, अच्छा जो मेरी नई क्लास होगी उसका पार्ट ही है। पर आपके में वो ऑप्शन जो है, देखिए हर एक वर्जन में ना इसके ऑप्शंस बदले हुए हैं, तो मैं 2007 पे कराता हूँ, बाकी आपको 13 में भी एक बता दूंगा कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है, ताकि वो मेरे पास सस्ती 10 है। है, मेरे पास 10 है। 10 के कीवर्ड्स आपको देखने पड़ेंगे थोड़ा सा, मेरे ख्याल से अगर नेट पे खोलें तो क्या पता आ जाए, देखते हैं। एक्सेल ऑप्शन, ऑप्शंस इन 2010, ये तो अलग ही मीनिंग है, 2003 लग रहा है। एक्सेल ऑप्शन इधर है आपके में, एक्सेल ऑप्शंस जो है वो यहाँ है, यहाँ है 2010 में, 13 में, इधर आते हैं फाइल बटन में, ऑप्शन में इधर। 2010 में ऐसा मेरे वाले में। हाँ जी, तो मैं बताता हूँ फाइल में। हाँ, ऑप्शन सेकंड लास्ट है, फिर एग्जिट है। हाँ, तो सेकंड लास्ट का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो किया। मेरा वाला जो इंटरफेस है, मेरा फाइल में या ऑफिस बटन में जाके एक्सेल ऑप्शन यहाँ है, इसमें ऐसा है। अब इसमें खोलेंगे तो पहला वाला पॉपुलर दिख रहा होगा, इसमें एडिट कस्टम लिस्ट है। इसमें ये मेरे ख्याल से एडवांस में होगा आपके पास, एडिट कस्टम लिस्ट लास्ट में। मेरे पास एडवांस में मैं अगर जाता हूं तो मेरे पास एडिटिंग ऑप्शंस है। एडिट कस्टम लिस्ट है उसमें, एडिट कस्टम ये लिस्ट, वाला ऑप्शन होगा। अभी आप एडवांस में है, एडवांस्ड में है ना अभी आप, या पॉपुलर में ये कहां पे आप? 2007 में तो पॉपुलर में है, अब मैं इसमें देख लेता हूँ और मेरे एडिट। वाले में चेक करना पड़ेगा क्या? हाँ, क्योंकि मैं भी एडिट कस्टम, लिस्ट इन 2010, ये आपका एडवांस में जनरल टैब के ये नीचे, ये रहा। हाँ, एडवांस्ड मुझे दिख रहा है। एडवांस्ड में हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी कौन सा ऑप्शन, एडिटिंग ऑप्शंस है या फिर कट सबसे कॉपी एंड पेस्ट वाला है या फिर इमेज साइज एंड क्वालिटी है, आगे और आप आगे साथ और। में स्क्रॉल बार से सबसे नीचे आइए, ये डिफरेंस दिख रहा है ना, सबसे नीचे मेरे पास है जनरल जनरल के नीचे वेब ऑप्शन, वेब ऑप्शन के नीचे एडिट कस्टम लिस्ट, यस। उस पे प्रेस करूं। हाँ, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, इसमें पूरा बताता हूँ, मतलब इसमें जो है ना ऑप्शंस थोड़े ऊपर नीचे हैं, कोई बात नहीं। तो है पर इसी के अंदर ही, एक्सेल ऑप्शन के अंदर ही सारे हैं, वो इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह एक्सेल कस्टमाइजेशन, और थोड़ा सा शॉर्टकट्स के ऊपर भी देखेंगे हम कि हम एक्सेल में कमांड कैसे कर सकते हैं शॉर्टकट्स पे, ठीक है ये, एक्सेल कस्टमाइजेशन, एंड शॉर्टकट्स। एक मिनट, कस्टमाइजेशन एंड शॉर्टकट्स, तो उसमें वो कवर हो जाएगा जो नेम जो रैंडमली आते हैं प्लस हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कवर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। आपको आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है? अभी नहीं मिल रही, रिकॉर्डिंग में भेज रहा हूँ ना, नहीं भेज रहा हूँ, हाँ, अभी अभी आप भेज रहे हैं, ठीक है, अभी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, पहला
पहले बात करते हैं शॉर्टकट्स की। अब देखिए शॉर्टकट्स हम क्यों यूज करते हैं, जाहिर सी बात है जब आप माउस यूज करते हैं तो माउस की स्पीड इतनी नहीं होती कि आप उसको बहुत फ्रीक्वेंट यूज करें। कीबोर्ड में क्या होता है, हम लोगों की फ्रीक्वेंसी इतनी बन जाती कि विदाउट कीबोर्ड को देखे भी टाइप कर लेते हैं, तो इसकी स्पीड माउस के कंपैरेटिवली बहुत फास्ट होती है कीबोर्ड्स की आपकी, जिसके लिए हम शॉर्टकट्स यूज करते हैं। अब शॉर्टकट्स को कैसे यूज करना है, पहले तो हमें जानना कैसे है शॉर्टकट्स को, कौन कौन से शॉर्टकट्स होते हैं। सबसे पहले हम जब इन ऑप्शंस पे लेके जाते हैं तो स्क्रीन टिप में आप देख रहे हैं जैसे बोल्ड कुछ डिस्क्रिप्शन आ रही है और शॉर्टकट भी आ रहा है कंट्रोल बी, यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, तो यहाँ पे आपके कुछ शॉर्टकट्स हैं, तो जिनके अवेलेबल शॉर्टकट्स हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, पर जिनके अवेलेबल नहीं है उनको कीबोर्ड से कैसे चलाया जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड पे हमारे आल्ट का बटन है, आल्ट का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। और जो हमने आल्ट का बटन प्रेस किया तो आप यहाँ पे देख रहे हैं छोटे छोटे कीवर्ड्स कुछ लिखे आ गए हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, सपोज मुझे मुझे क्या करना है, बोल्ड करना है, मान लीजिए मुझे उसका शॉर्टकट नहीं पता कंट्रोल बी, तो यहाँ पे जो कीवर्ड लिखे हुए हैं हर ऑप्शन के नीचे पहले तो वो प्रेस करेंगे, जैसे हमें होम में जाना है पहले तो हम होम के लिए एच प्रेस करेंगे, आल्ट हम छोड़ चुके हैं एक बार दबा के छोड़ देना है बस, तो ये कीवर्ड आ गए। अब हमने एच प्रेस करके छोड़ दिया, अब क्या हुआ आपके सामने अदर ऑप्शन आ गए, सब सब ऑप्शन के नीचे कुछ कीवर्ड्स आ गए। अब जैसे मैंने बताया हमें बोल्ड करना था तो बोल्ड के नीचे क्या आ रहा है, वन वन, तो मैं वन दबाऊंगा तो बोल्ड हो जाएगा, वन दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा, चलिए देखते हैं कैसे, ऑल्ट एच वन, ऑल्ट एच वन, ओके। अब करते हैं मर्ज एंड सेंटर, जैसे मान लीजिए मुझे मर्ज करना है तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट होम में जाना पड़ेगा एच, मर्ज एंड सेंटर के लिए एम है, और ये मर्ज एंड सेंटर का जो ऑप्शन आया उसमें मुझे दिखाना है ये वाला ऑप्शन जो कि मैं सिलेक्ट करूंगा सी से, तो इसके लिए क्या शॉर्टकट, माउस यूज नहीं करूंगा फिर मैं, खाली कीबोर्ड से ही करूंगा ना। हाँ हाँ, तो जब मुझे ये चीज करनी हो जैसे मुझे मर्ज एंड सेंटर करना हो तो मैंने ये सिलेक्ट किया, अब ऑल्ट एच एम सी, तो धीरे धीरे ये जो मेरी स्पीड है वो बढ़ जाएगी, जैसे अनमर्ज करना है ऑल्ट एच एम यू, ऑल्ट एच एम सी फास्ट होगा। अब जैसे मैं बॉर्डर्स डाल रहा हूं इसके अंदर, बॉर्डर्स में मैं ऑल बॉर्डर्स डाल रहा हूं, ऑल्ट एच बॉर्डर्स के लिए आया बी, दोबारा करता हूँ, ऑल्ट एच बी, और ऑल बॉर्डर्स के क्या लिए क्या है ए। बट होम में क्या क्या आ रहा है संदीप अभी, ये होम होम में तो सब चीज होम में ही आ रही है क्या ये? हाँ जी सर, ये सब होम में है। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी की बात चल रही है अभी हमारी। हाँ जी ठीक है, तो अब जैसे कलर भरना है, जैसे कलर डालना है आपको, तो कलर के लिए क्या कर सकते हैं, ऑल्ट एच, अब यहाँ पे आपको एच दिखा रहा है, एच डबल एच कर देने, हाँ डबल एच प्रेस किया, पर आपके लिए नो फिल के लिए तो एन है और बाकी कुछ नहीं है, तो वहां पे आपका कीबोर्ड की एरो कीज चलेंगी। तो अगर अगर आप माउस नहीं छूना है मतलब ये हो गया। हाँ हाँ जी, माउस नहीं छूना है, बेटर ये है कि जो मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ आप उनको एक बार कीबोर्ड से ट्राई करें और मैक्सिमम ऑफ टाइम उनसे प्रैक्टिस करें ऑफिस में, तो आपकी जो एफिशिएंसी है शॉर्टकट्स यूज करने की वो अपने आप बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे आपको खाली कीवर्ड्स याद रह जाएंगे, आपका हाथ चल जाएगा अपने आप ऑप्शन पे। तो जैसे मैंने कलर भर दिया, ये एंटर प्रेस कर दिया, मैंने कलर भर दिया, अब मुझे कलर हटाना है तो वहां नो फिल के लिए था ऑल्ट एच एच एन, हट गया, बॉर्डर्स लाने ऑल्ट एच बी ए, बॉर्डर्स हटाने ऑल्ट एच
बी, और बॉर्डर्स नो बॉर्डर्स के लिए क्या है यहाँ पे? नो बॉर्डर्स के लिए एन है। एन है, एन। सो एच बी ए और एच बी एन हट गया, एच एम सी और एच एम यू, ठीक है जी। तो आप ये ठीक सारी है ठीक चीज, है। तो आप यहाँ पे, अब जैसे मुझे किसी भी टेस्ट में फिल्टर लगाना है, मैंने सिलेक्ट किया, तो फिल्टर के क्या क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एल दबा सकते हैं आप, ठीक है जी। और नहीं तो फिल्टर हमारा यहाँ पे है, शॉर्ट एंड फिल्टर, तो यहाँ तक का शॉर्टकट हम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? ऑल्ट एच, यहाँ पे आया एस, ऑल्ट एच एस एफ, फिल्टर लग गया, दोबारा दबाया हमने, ऑल्ट एच एस एफ हट गया, ठीक है। इसीलिए इसी तरह से जब हम शॉर्टिंग करते हैं तो ऑल्ट डी एस, या फिर ऑल्ट एच एस यू, ठीक है। डेटा के अंदर भी है, जैसे डेटा में जाना है तो ऑल्ट, अब ए ए ए के बाद आया फिल्टर के लिए टी, ये रख टी लग गया, ऑल्ट ए टी, ठीक है जी। तो आप अपना पूरा ये मेन्यू बार जो है, ये रिबन जो है, नेविगेट कर सकते हैं शॉर्टकट्स के थ्रू, पूरा मेन्यू बार। अब तो बात रही मेन्यू बार नेविगेट करने के लिए, हम इससे कर लेते हैं। इसके बाद जो इसमें चीज होती है वो होती है डायलॉग बॉक्सेस। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ पेज नेविगेशन कैसे करते हैं। ऑल ऑफ द टाइम सबसे जो मुश्किल चीज होती है पेज नेविगेट करना होता है, पेज इधर से उधर बदलते रहते हैं। इनके लिए आप कर सकते हैं कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन। पेज अप पेज डाउन दो बटन होंगे आपके कीबोर्ड में, तो कंट्रोल दबा के जब पेज अप पेज डाउन करेंगे तो आप अपना नेविगेट कर सकते हैं पेज, ठीक है जी। एक मिनट मैं ट्राई करूं, जस्ट एक हाँ मिनट। जी, अभी मैंने ALT दबाया, मेरे पास सारे आ गए ऊपर, H ठीक N P जो भी आया। अभी मेरे को होम में जाने का है, तो फिर मेरे पास और ऑप्शन नीचे वाले क्यों नहीं आ रहे? जैसे बोल्ड का ऑप्शन है या आई, जैसे वन एच H के आया, बाद और एच H दबाएंगे, आया। एच दबाएंगे तो और ऑप्शन है, एक बार एच हाँ प्रेस ठीक है, करके। H दबाया तो और ऑप्शन आ गए, ठीक है। हाँ और फिर उसमें दोबारा से एच दबाया तो फिर वो कलर मांग रहा है, और उसमें फिर मैं कीबोर्ड से प्लस माइनस कर सकता हूँ। ठीक ठीक है है जी। और ठीक है, ये तो जैसे हो मान गया। लीजिए एरो कीज हमारी नहीं चल रही है, तो हम विदाउट एरो कीज के कैसे काम करते हैं? जैसे अब मुझे नीचे जाना है तो हम एंटर से नीचे जा सकते हैं, ऊपर आना है तो शिफ्ट दबाएं और एंटर दबाएं तो ऊपर आ जाएगा, टैब दबाएंगे तो आगे जाएगा, शिफ्ट टैब दबाएंगे तो ये पीछे आ जाएगा। अभी शिफ्ट और एंटर दबाता हूं तो ऊपर जा रहा है, खाली एंटर दबाता हूं तो नीचे आ रहा है, टैब दबाएंगे और तो आगे जाएगा, शिफ्ट टैब दबाएंगे पीछे आएगा। टैब आएंगे तो कैसे जाएगा? हाँ राइट साइड जा रहा है, हाँ जी, और शिफ्ट दबा के और टैब दब, तो वापिस आएगा। दूसरा ठीक है न्यू न्यू शीट आपको इंसर्ट करनी है तो शिफ्ट F11 प्रेस करेंगे, हेलो ऐप हैंड की,
हेलो, हाँ जी हाँ जी, वो थोड़ा लाइट चली गई थी इस कारण से। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात जी, तो जब हम नई शीट चाहिए होती है तो हम शिफ्ट F11 प्रेस करते हैं, और जब डिलीट करनी होती है तो ऑल्ट ई एल डिलीट कर देते हैं। कैसे, एक बार दोबारा बताएंगे। शिफ्ट F11 प्रेस करेंगे तो न्यू शीट आ जाएगी, ऑल्ट ई एल प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगी। डिलीट के लिए आपका यहाँ भी ऑप्शन है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। डिलीट शीट है तो इसके लिए होगा ऑल्ट एच डी एस, शीट डिलीट हो जाएगी आप। जब आपको सिलेक्शन के लिए करना है तो कंट्रोल दबा के अगर आप स्पेस दबाते हैं तो कॉलम सिलेक्ट करेगा, और शिफ्ट दबा के स्पेस दबाते हैं तो रो सिलेक्ट करेगा। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस दबाते हैं तो ऑल सिलेक्ट करेगा। ठीक है, कंट्रोल स्पेस कॉलम, शिफ्ट स्पेस रो, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस ऑल शीट। ठीक है जी, बाकी सब इसके अलावा आप लोग आप वैसे कर सकते हैं। अब जैसे सिलेक्शन के लिए, जैसे मुझे सिलेक्ट करना है यहाँ पे, कुछ मैं ब्रेकेज दे देता हूँ। मैं शिफ्ट दबा के जब एरो करता हूँ तो मेरा सिलेक्शन चलता है एरो की से, पर जैसे मुझे इस पॉइंट से डायरेक्ट इस पॉइंट तक जाना है तो मैं कंट्रोल दबाऊंगा, शिफ्ट एंड दबाऊंगा तो ये लास्ट डेटा एंड तक चला जाता है डायरेक्ट। जैसे यहां से अगर मैं कंट्रोल दबा के एरो की दबाता हूँ तो डेटा एंड तक जाता है। कंट्रोल कंट्रोल दबा के जहां पे एरो, कुछ रिटर्न होगा। हाँ जी, कुछ ना कुछ होना चाहिए अदरवाइज एंड में चला जाएगा डायरेक्ट। ठीक है जी, अब कंट्रोल इस, और एरो ना, हाँ जी, और कंट्रोल के साथ अगर शिफ्ट दबा देंगे तो ये सिलेक्शन करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मैंने ये कहा कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो, तो एक झटके में सिलेक्शन हो गया, और नीचे कर दूंगा तो नीचे तक हो जाएगा। तो ये तो रहा सिलेक्शन का। ये अब इन शॉर्टकट्स को जानना कैसे है इसको मैं अभी बाद में बताता हूँ, पहले आपको बताता हूँ डायलॉग बॉक्स कैसे नेविगेट करना है। एक तो रिबन हो गया, एक जनरल शॉर्टकट्स हो गए, अब मैंने बताया डायलॉग बॉक्स। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये डायलॉग बॉक्स है, सबसे पहले ये डायलॉग बॉक्स आता है Ctrl 1 जब आप प्रेस करेंगे तो आएगा फॉर्मेट ठीक है सेल का। ठीक अब है, इसके अंदर आप, इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। हाँ जी, इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, इस तरह का फॉर्म जो बना होता है इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। अब इसको नेविगेट करने के लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आपको जाना है अगले टैब में, इनको टैब्स बोलते हैं, तो आप कंट्रोल प्रेस करके टैब दबाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, शिफ्ट कंट्रोल टैब दबाएंगे तो वापस आएंगे। मतलब कंट्रोल और कंट्रोल को आप प्रेस करके रखेंगे, देन एक बार टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पे, दूसरी बार टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पे, और कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखेंगे, एक बार टैब प्रेस करेंगे तो रिवर्स, दूसरी बार करेंगे तो फिर रिवर्स। ठीक है जी, इस तरह से करना है। बाकी इस रही अंदर की कैटेगरी, जैसे ये कैटेगरी देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे क्या है, एक छोटी सी अंडरलाइन है सी के नीचे, इसका मतलब है कि ये कीवर्ड जो है ये एक्टिवेटेड है सी के द्वारा। अब जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस रखते हुए, उसमें क्या कर रहे थे हमने एक बार प्रेस करके छोड़ दिया था, इसमें हमें ऑल्ट दबा के रखना है और देन सी दबाया तो इसका फोकस कहाँ चला गया, मेरे कैटेगरी में। अब मैं एरो की से अप डाउन कर सकता हूँ इसको, ओके, ऑल्ट और फिर सी, हाँ जी, और इसमें दबा के रखना है, और जो पहले हम कर रहे थे होम बार में उसमें जस्ट एक बार दबा के छोड़ देना। हाँ जी। डायलॉग बॉक्स में आप कोई भी ऑप्शन होगा जैसा अंडरलाइन होगा उसमें आपको दबा के रखना पड़ेगा ऑल्ट। ठीक है जी, अब हम ठीक चलते हैं ठीक अलाइनमेंट पे। यहाँ पे देख रहे हैं H के नीचे अंडरलाइन है,
यहाँ रैप टेक्स्ट हाँ के नीचे डब्ल्यू के नीचे अंडरलाइन है, यहाँ श्रिंक टू फिट हाँ में के नीचे अंडरलाइन है, तो श्रिंक टू फिट करना है तो ऑल्ट दबा के रखते हुए के, ओके ऑल दबा के रखते हुए ओके ठीक है जी। अब अगर आप अपनी एरो की के थ्रू मूव करना चाहते हैं तो वो फोकस के हिसाब से मूव होगा। अब जैसे मान लीजिए मेरा फोकस यहाँ था, अब ये नीचे ऊपर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे रेडियो बटन हो या टिक बॉक्स हो, इनको चेक करने के लिए स्पेस बार दबा सकते हैं। ये एरो की से मैं चला रहा हूँ और स्पेस बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, टिक अनटिक। अब देखते हैं, जैसे मैंने बताया इसमें ये जो के दबाना है एक चीज ऑल्ट है। दबा के रखते हुए के दबाइए, अच्छा एक मिनट, अभी मैं ऑल दबा के ठीक है जी। अब आप इसके ऑप्शन चलाने सीख गए कैसे चलाने, जैसे वर्टिकल में जाना है तो वी है, ऑल्ट दबा के रखते हुए वी, एरो की से नेविगेट कर सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब इस कंडीशन में आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ये ग्रीन एरिया दिख रहा होगा आपको बटन के पास, इसका मतलब है कि ये बटन एंटर बटन पे एक्टिवेटेड है, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ओके हो जाएगा। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया ओके हो जाएगा, अगर मैं कोई चेंजेस नहीं चाहता तो एस्केप दबा दूंगा, वापस चला जाएगा विदाउट ओके, एक ओके हो अच्छा, जाएगा। अगर उसका बॉर्डर ऑलरेडी ब्लू टाइप है इसका मतलब वो एंटर से चला हुआ है, हाँ जस्ट एंटर से उसमें एंटर एक्टिवेटेड, मारते ही यस वो, एंटर पे एक्टिवेटेड है, तो उसमें फिर अपने को एंटर फिर भी मारना पड़ेगा ओके करने के लिए। हाँ एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे ओके हो जाएगा, ठीक ठीक है, है उस जी। पे माउस ले जाके क्लिक करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, ठीक है जी। ठीक अब है, इस तरह के कौन से ऑप्शन होते हैं, जैसे Alt F W, प्रिंट प्रीव्यू है, जैसे V, प्रिंट प्रीव्यू चला गया। अब यहाँ जैसे पेज सेटअप है तो मैं Alt दबाया, मैंने P दबाया, SP आ गया, ये डायलॉग बॉक्स आ गया, ये कंट्रोल टैब से मैं नेविगेट कर सकता हूँ। अब जैसे प्रिंटिंग का है, जैसे लैंडस्केप करना है Alt दबा के रखते हुए L, लैंडस्केप किया, और फिट टू वन करना है तो मुझे ऑल्ट दबा के रखते हुए एफ, देन ओके है तो एंटर से ही है ओके, ये अपने आप सेट हो गया, ठीक है जी। मैंने क्या किया, डायरेक्ट ये खोला और जैसा भी मुझे एडजस्ट करना था मैं वैसा कर पा रहा हूँ कीबोर्ड के थ्रू, एस्केप दबाया मैंने, बाहर आ गया, ठीक है जी। तो ऐसे आपके जो जनरल शॉर्टकट्स हैं आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसके अलावा और जो शॉर्टकट्स जानने हैं, अब आपने यहाँ तक जान लिया, आप प्रेस करेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से F1, तो यहाँ पे एक्सेल हेल्प खुल जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, एक्सेल हेल्प दो मोड में है, ऑनलाइन में है, ऑनलाइन के लिए ये सारे हैं, और ऑफलाइन में है फ्रॉम दिस कंप्यूटर, तो नेट नहीं है तो दिस कंप्यूटर भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ आप सर्च कर सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ पे देखेंगे तो कीबोर्ड स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, ये तो कुछ के लिए, यहाँ एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शन की, इसमें जब क्लिक करेंगे आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें ठीक है, ऑलमोस्ट मैं कर लूंगा उसको। कंट्रोल शिफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन के साथ हर वो शॉर्टकट है ठीक है, जो मैंने आपको बताया, कंट्रोल के साथ कौन कौन से चलते हैं, फंक्शन की के साथ आपके कौन कौन से चलते हैं, F1 F2 F3 के साथ क्या क्या होता है वो है, ठीक है, मैं प्रैक्टिस कर लूंगा। ठीक है, एरो की को कैसे सिलेक्शन लेना है, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, बैक स्पेस डिलीट एंटर एस्केप होम, एस्केप क्या करता है, तो ये आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, टैब क्या करता है, तो ये सारी आपके डाउट शॉर्टकट्स के बारे में सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक ठीक है जी। तो
यहाँ से आप इसके बारे में जान सकते हैं। दूसरी चीज जो इसमें इम्पोर्टेंट है, लिमिट्स है। एक्सेल आप कर रहे हैं तो हमें कम से कम इसकी लिमिट के बारे में जानना चाहिए। लिमिट्स क्या होती हैं? जैसे लिमिट्स करेंगे तो एक्सेल स्पेसिफिकेशन एंड लिमिट्स आ जाएगा। एक्सेल स्पेसिफिकेशन एंड लिमिट्स में आपको कई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, जैसे आप काम कर रहे हैं और फंस गए, तो वो इंफॉर्मेशन आपको ज़्यादातर यहाँ मिलेगी कि एक वर्कशीट का हाँ साइज साइज कितना होता है, 10,000 ये बताया था लाख। अपना सुजीत ने बताया था। ठीक है ये वाला चीज बताया था। ओके हाँ, तो इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन है, इसको भी पढ़ें एक बार। मतलब ठीक आपके है दिमाग में ये रेफरेंस होना चाहिए कि अगर मैं ऐसे फंसा हूँ तो उसका जवाब कहाँ मिलेगा। ठीक है जी, तो ये दो रेफरेंस हो गए। उसके अलावा अब जब आपने शॉर्टकट सीखे होंगे, तब से अब तक काफ़ी समय हो चुका है, विंडोज़ काफ़ी बदल चुकी है, तो एक बार विंडोज़ शॉर्टकट से भी अपडेट हो जाइए। डेस्कटॉप पे आके F1 प्रेस करेंगे तो विंडोज़ की हेल्प खुलेगी, और इसमें कीबोर्ड शॉर्टकट आप सर्च कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट, तो एक बार इनको भी देख लें। यहाँ पे आपके सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं इसके लिए, जो कि कुछ अब बदल चुके हैं, नए आ गए हैं और एडवांस हो गए हैं। डायलॉग बॉक्स कैसे चलाना है वो सारा है इसमें, विंडो लोगो की के साथ क्या शॉर्टकट्स हैं। पहले हम विंडो डी खाली दबाते थे डिस्प्ले डेस्कटॉप के साथ, इस टाइम बहुत सारी है। ठीक है जी, ये डेस्कटॉप पे आने के लिए हाँ, डेस्कटॉप पे अच्छा ये आने के लिए विंडोज विंडो करके डी दबाते थे, विंडो दबाते हुए विंडो का बटन दबाते हुए डी दबाते थे तो डेस्कटॉप ऐसे आ जाता था। अब उसके अलावा बहुत सारा है, जैसे मिनिमाइज ऑल विंडो, विंडो दबा के M दबाना है, सारी मिनिमाइज हो जाएगी। अब रिस्टोर के लिए मिनिमाइज विंडो शिफ्ट M है, जैसे विंडो M दबाया, विंडो शिफ्ट M दबाया, वापस आ गया। विंडो E दबाया तो हमारा ये कंप्यूटर का ये खुल जाता है, माई कंप्यूटर। विंडो अब मेरे को सारी एक्सेल फाइल देखनी हो संदीप, सारी एक्सेल सारी वर्ड या सारी पीपीटी एक ही बारे में पहले ही मेरे को जस्ट निगाह मारनी हो, तो उसमें मैं जनरली क्या करता हूँ, अभी मैं जाता हूँ फोल्डर में जाके ढूंढता रहता हूँ, उसमें जैसे मेरे को सारी एक्सेल चाहिए फिर सारी वर्ड चाहिए या सारी पीपीटी चाहिए, उसके लिए है कोई शॉर्टकट? हाँ जी, उसके लिए है कुछ ऑप्शंस है, जैसे आपके सामने एक ये है। ठीक है जी, एक तो आप अपने व्यू को जो है वो डिटेल्स में सेट करके यहाँ टाइप से सॉर्ट कर सकते हैं। इसमें हर एक टाइप की फाइल अलग अलग सेट हो जाएगी, जैसे ये JPG पहले सेट हो गई, फिर एक्सेल की फाइल सेट हो गई, फिर PPT ये सेट हर एक हो फोल्डर में जाके करना पड़ेगा मेरे को? गई, जिसमें आप करना चाह रहे हैं उसमें कर दीजिए। मतलब ठीक है और अगर उससे भी शॉर्टकट बता रहा हूँ, जैसे मेरे पास डी ड्राइव है, अब इसके अंदर कितनी PPT पड़ी होंगी, सिंपल सी बात। ठीक है जी, मैं यहाँ जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे एक कमांड टाइप कीजिए, *PPT, तो जितनी भी PPT है मेरे सामने आ जाएंगी। अब वर्ड की ये फाइल कहाँ पे चाहिए है उसका, लोकल? अगर ये डेस्कटॉप पे है फिर कैसे करेंगे? सपोज डेस्कटॉप पे मेरे पास 50 फाइलें हैं सपोज कर लो, तो अब वहां पे डेस्क सर्च का तो बटन है नहीं। बिल्कुल नहीं है, पर आप यहां से खोल सकते हैं। अब आपकी डेस्कटॉप इसके अंदर आ गई, अब सर्च कर सकते हैं *DOC डॉक्यूमेंट फाइल, *XLS, ये कैसे किया एक मिनट दोबारा बताएंगे। स्टार डॉट के साथ उस फाइल का एक्सटेंशन आप लगा दीजिए। नहीं पहले तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा ना, मैं डेस्कटॉप पे हूँ अभी, हाँ, डेस्कटॉप का आपका यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ, तो मेरे को बट लेफ्ट साइड वाली वो नहीं नजर आ रही ना सर्च, राइट साइड वाला सर्च जो है वो नहीं नजर आ रहा। आपने माई कंप्यूटर खोलिए पहले, हाँ पहले माई कंप्यूटर खोलो। जी, विंडो ही दबाइए पहले, विंडो ही दबाया विंडो, ई। हाँ विंडो ई दबा दिया, माई कंप्यूटर खुल गया सर। खुल गया सर खुल गया। आगे
उसके बाद आपके राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में आपको ये दिख रहा है डेस्कटॉप, ये रिसेंट प्लेसेस डेस्कटॉप। अच्छा, फिर वहां से फिर मैं सर्च मार दूं, हाँ यहाँ क्या क्लिक क्या डालूं, स्टार। स्टार डॉट DOC। नोट कर लीजिए इसको, स्टार डॉट DOC डालेंगे तो वर्ड की जितनी फाइल है, स्टार डॉट PPT डालेंगे तो PPT की जितनी फाइल है, स्टार डॉट PDF डालेंगे तो PDF की जितनी फाइल है, स्टार डॉट MP3 डालेंगे तो MP3 फाइल्स, स्टार डॉट JPG डालेंगे तो JPG फाइल्स, स्टार डॉट MP4 डालेंगे तो एक्सेल के लिए आपके क्या है? आपके एक्सेल के लिए XLX, XLS स्टार डॉट एक्सेल एस। एस। हाँ जी, ठीक है जी। ये अगर यही सर्च फाइल में मारूंगा, मान लो नीचे अपना जहां से हम शटडाउन करते हैं हाँ जी, वहां पे सर्च प्रोग्राम सेंड फाइल, अगर मैं वहां भी स्टार और ये मारूंगा वहां भी ये काम करेगा? ट्राई कर लेते हैं, स्टार डॉट XL कर रहा है। तो ये पूरे कंप्यूटर की सारी फाइलें दिखाएगा? नहीं, आपको डेस्कटॉप दिखा रहा है खाली। अच्छा, खाली डेस्कटॉप की ही दिखाएगा वो, हाँ और तो डॉक्यूमेंट्स में नहीं जाएगा? डॉक्यूमेंट्स में नहीं जाएगा? डॉक्यूमेंट्स की भी दिखा रहा है मेरे को तो यहाँ पे। अच्छा, ट्राई करके देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा मैंने जी। अभी प्रेस किया है वो। हाँ, सर्च कर दिए, सारी दिखा रहा है। ठीक है ठीक है जी, तो ठीक है। ये आपका शॉर्टकट्स के तरीके हैं। अब मुझे पूरा डेस्कटॉप मान लो कॉपी करना है एक ही बारी में, उसमें CTRL दबा के C घुमा दूं, या फिर और शॉर्टकट है उसके लिए? ये कंट्रोल सी है, जैसे एक्सेल की फाइल कॉपी करनी है तो स्टार डॉट XLS दबाया मैंने, अब यहाँ से मैं सारी कॉपी कर सकता हूँ इकट्ठे। अब ये जो सारी कॉपी कर रहे हैं कंट्रोल C करके कर रहे हैं? हाँ जी सर, सारा सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल वी से। ठीक ठीक है। है जी, तो इसमें हमने देखा एक्सेल के शॉर्टकट्स, विंडो के शॉर्टकट्स। अब थोड़ा सा कस्टमाइजेशन में बता देता हूँ, क्योंकि कस्टमाइजेशन का जो टॉपिक है फुल डे खाता है, तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता देता हूँ, फिर बाकी मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। अब एक्सेल ऑप्शंस में काफी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनका हम लोगों को ज्ञान नहीं होता, और छोटी से छोटी इसमें गड़बड़ जो है कंप्यूटर फॉर्मेट करवा देती है, क्योंकि वो टैकल करना बड़ी बात होती है, इन सेटिंग्स के बारे में हर किसी को नहीं पता है। अब देखते हैं कैसी कैसी गड़बड़ आती है। जैसे मैं कोई टेक्स्ट टाइप करता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट टाइप करके सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक मिनी टूल बार दिख रही है आपको। हाँ, हालांकि कम लोग इसे यूज करते हैं, मिनी टूल बार किसी कारणवश ये आपके सामने नहीं आती है, तो क्या हो सकता है, आप ये फाइल में जाके एक्सेल ऑप्शंस में जाइए और पॉपुलर के अंदर पहला जो ऑप्शन है वो है शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। अगर ये अनचेक होता है तो आप टाइप करके जब सिलेक्ट करेंगे तो वो नहीं दिखाएगा। ठीक है जी, तो मैं इसको वापस चेक कर देता हूँ। दूसरा आप देख रहे हैं लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू क्या होता है, जैसे ही मैं किसी कलर वाले ऑप्शन पे जा रहा हूँ या किसी भी ऑप्शन पे जा रहा हूँ, ये डायरेक्ट मुझे चेंजेस उस सेल में दिखा दे रहा है सिलेक्शन में। मान लीजिए सिलेक्शन है, मैं किसी पे गया तो डायरेक्ट ये मुझे चेंजेस दिखा देता है, तो इसे कहते हैं लाइव प्रीव्यू, मतलब ऑप्शन सिलेक्ट करने से पहले मुझे उसका प्रीव्यू दिखा देता है। ठीक है जी,
ये ऑप्शन अगर आपका किसी कारणवश नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो है ये ऑप्शन अनचेक है। दूसरा 2007 में जो डेवलपर टूल बार के लिए ऑप्शन होता है वो यहाँ होता है। आपके वाले में जो ये ऑप्शन होगा वो होगा कस्टमाइज में जाके, यहाँ पे क्लिक करने के लिए आएगा डेवलपर टूल बार। ठीक है जी। दूसरा, मेरी एक्सेल आपको अलग से दिख रही होगी, ये ब्लैक थीम के अंदर है। जब भी आपको इसकी थीम चेंज करनी हो आप एक्सेल ऑप्शन में जाएं और यहाँ से तीन थीम है आपके पास, ब्लू, सिल्वर, ब्लैक। जैसे मैं सिल्वर करता हूँ, ओके करता हूँ, तो एक्सेल मेरा सिल्वर में बदल गया। हाँ ठीक है। दूसरा, स्क्रीन टिप स्टाइल, इसके तीन अलग अलग तरीके, शो फीचर, डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप। अब जब मैं भी कोई दिखा रहा था आपको, यहाँ सिलेक्ट कर रहा था, बोल्ड लिखा हुआ आ रहा था, तो उसके मेथड्स हैं। आप दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते स्क्रीन टिप में, और स्क्रीन टिप ही नहीं दिखाना चाहते, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कस्टम लिस्ट। अब कस्टम ये शो फीचर डिस्क्रिप्शन है स्क्रीन टिप्स का मतलब। स्क्रीन टिप्स ये होती है, जैसे मैं आपको इस ऑप्शन पे ले गया, मैंने बताया कि यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है जिसमें कंट्रोल भी दिखा रहा है मुझे, इसको कहते ओके, हैं स्क्रीन। शॉर्टकट नहीं दिखाएगा ऐसा है? हाँ जी, शॉर्टकट या वट एवर जो कमेंट्स है वो या डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं दिखाएगा अगर मैं वहां से अनचेक कर दूंगा तो। वो कुछ नहीं दिखाएगा, अनचेक नहीं। इसमें तीन ऑप्शन है अलग अच्छा, अलग। सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके हाँ ओके जी, ओके, डोंट शो स्क्रीन टिप कर देंगे तो वो स्क्रीन टिप दिखाएगा ही नहीं। ठीक है जी। ये जाना कहाँ पड़ता है एक्चुअली? इसमें फाइल में, ऑप्शंस में, फाइल में, ऑप्शंस आगे में आपका पहला ही आएगा पॉपुलर। मेरे पास जनरल है, फिर फॉर्मूलाज, फिर प्रूफिंग, फिर सेव, फिर हाँ, तो वो लैंग्वेज, फिर एडवांस। जनरल के अंदर है आपका। हाँ है, ठीक है ठीक है ठीक है सर, अगला चलते हैं, एडिट ओके। कस्टम कस्टम लिस्ट। अब कस्टम लिस्ट क्या होती है, जैसे मैं ये नाम डाल रहा हूँ, यहाँ पे ड्रैग कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई सिटी डाल रहा हूँ, यहाँ पे ड्रैग कर पा रहा हूँ अलग अलग। मैंने क्या किया, अगर मुझे अच्छा, इस तरह की लिस्ट चाहिए जिसको मैं ड्रैग करके लाना चाहूँ, तो मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। मान लीजिए कोई लिस्ट है इस तरह से मेरी कोई भी, जिसको मुझे यूज करना है, तो मैं इसको यहाँ पे टाइप कर लूंगा। पहले एक्सेल ऑप्शन में जाऊंगा, एडिट कस्टम लिस्ट में जाऊंगा, आपके में एडवांस में एडिट कस्टम लिस्ट, और मैं यहाँ से उसको इंपोर्ट करूंगा। पहले तो यहाँ से सिलेक्ट करूंगा इसको, क्या चीज है, ऐड करूंगा। मैं इंपोर्ट किया, मैंने यहाँ आ गया, ऐड करते ही आपका इस लिस्ट में यहाँ दिखाने लगेगा। अब इस लिस्ट में जैसे ही आपकी आ गई वैल्यू, ओके किया, तो जैसे ही इसमें से कोई भी वैल्यू डालेंगे आप, ड्रैग करेंगे, तो बाकी वैल्यूज आपकी आने लग जाएंगी। रैंडमली ले लेगा कुछ भी। रैंडम नहीं ले लेगा, वो सीरियल वाइज लेगा। जैसे मैंने 3 लिया था तो फिर 1 2 3, 1 2 3 ओके इस तरह से ले लेगा। तो आप अपने बना लिस्ट ओके, ये को, कहाँ कहाँ ऐड करने पड़ते हैं, लिस्ट कहाँ, एक बार दोबारा बताइए, मैं अपने एक्सेल में हूँ अभी। आपका कोई लिस्ट बना लीजिए पहले, छोटी मोटी अच्छा ऐसे ही, कोई भी। चलो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। आपका नाम लिख दिया, बना ली, उसको कॉपी करूँ? कॉपी मत कीजिए, आप चले जाइए एक्सेल ऑप्शंस में। हाँ किस एक्सेल ऑप्शंस में? एक्सेल जी, एडवांस में, ऑप्शंस में, एडवांस में आ गया मैं। हाँ सबसे नीचे बोलिए। चले जाइए, एडिट कस्टम लिस्ट, स्क्रॉल बार के थ्रू सबसे नीचे। एडिट कस्टम लिस्ट, हाँ किया।
अब उसमें हाँ उस इंपोर्ट के बगल में आपका वो रेफरेंस एडिट वाला है, उसको क्लिक कीजिए, आप उसको सिलेक्ट किया, कीजिए, सेलेक्ट किया, इंपोर्ट कीजिए। हाँ एंटर मार दूँ सेलेक्ट करके अभी। एंटर मार दीजिए, इंपोर्ट कीजिए, ऐड कीजिए वहाँ से और ओके कर दीजिए। हाँ ये आ गया, ठीक है। अब ये लिस्ट जो है आपकी एक्सेल एप्लीकेशन के अंदर आ गई है, कोई भी एक्सेल फाइल खोलेंगे तो उसमें वो रहेगी। और इसमें एक चीज और है, जैसे अभी मैं समझ गया अभी ये रैंडम अपने आप क्यों आते हैं। दूसरी चीज ये है, अभी मेरे को एबीसी मेरा ड्रैग नहीं होता है। वो आपने बताया था कि 65 करके प्लस वन करो, फिर 66 करते रहो, बट ऐसा सेम वीक या मंथ्स में कैसे करेंगे? देखिए वीक वीक्स के लिए आपका जो है ये पहले से ही नहीं, मंथ के लिए जितना आपका कस्टम लिस्ट में अवेलेबल है, जैसे संडे मंडे आ रहा है ये आपका पहले से अवेलेबल है, जनवरी फरवरी आ रहा है पहले से ही अवेलेबल है, तो ये मैं उसको चीज़। ड्रैग वाले ऑप्शन, एक्चुअली मैं अगर ड्रैग करता हूँ फिर नहीं आता है, क्योंकि मेरे कस्टम लिस्ट में नहीं है इसलिए। हाँ जी, जो चीज़ आपके कस्टम लिस्ट में नहीं है वो चीज़ आप ड्रैग नहीं कर सकते। हाँ तो मैं कस्टम लिस्ट में जनवरी फरवरी डालूंगा फिर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो और कोई ऑप्शन है, जैसे आपने एबीसी का बताया था 65 का, जो AI से वैल्यू है 65 है, और उसमें 1 ऐड करके और फिर ड्रैग करेंगे, वैसा इसमें नहीं है, मंथ्स में या वीक्स में ऐसा नहीं है। नहीं मंथ्स में तो आपका है वैसे, जहां तक है अवेलेबल होगा आपके ऑप्शन, अगर नहीं है तो आप ऐड कर लीजिए, इसी तरह से लिस्ट बना के इंपोर्ट करवा लीजिए, वो आने लगेगा अपने आप। ठीक है, इनफैक्ट ABCD भी आप लिख के ऐसे इंपोर्ट करवा के उसमें डाल दीजिए, वो भी आने लगेगा। ठीक है जी, तो ये कस्टम लिस्ट आपका इसलिए यूज होता है। अब ठीक है। बात करते हैं इसमें पॉपुलर के अंदर, यहाँ पे यूज दिस फॉन्ट, फॉन्ट साइज कौन सा व्यू होना चाहिए, नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक व्यू, पेज लेआउट व्यू, तीन तरह के अलग अलग व्यू हैं, और कितनी शीट आप चाहते हैं बाय डिफॉल्ट। ये जो फॉन्ट ओके सेटिंग है ये आपकी बाय डिफॉल्ट रहेगी, देख रहे होंगे आपके पास कैलिबरी फॉन्ट आ रहा होगा या जो भी आ रहा होगा, और उसका कुछ ग्यारह ग्यारह जो भी है, ठीक ना, है। उसको अगर अगर आप बाय डिफॉल्ट एरियल या टाइम्स न्यू रोमन या कुछ भी ऐसा सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ देके ओके कर देंगे। तो जैसे न्यू करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे फॉन्ट 12 कर देता हूँ, ठीक है जी, मैंने दिया कि जो स्टार्टिंग शीट्स हैं वो 6 आनी चाहिए, तो जैसे ही मैं स्टैंडर्ड फॉन्ट टू टेक इफेक्ट यू मस्ट क्विट एंड रीस्टार्ट एक्सेल, तो कह रहे हैं कि आप एक्सेल को क्विट कर दो एंड रीस्टार्ट करो। अब देखिए एक तो 12 का फॉन्ट आ गया मेरा और ये 6 शीटें आ गई, ठीक है। ठीक है जी, तो ये बाय डिफॉल्ट आप सेट कर सकते हैं वहां पे, ये बाय डिफॉल्ट आपने सेट की। बाकी आगे के ऑप्शन जो है फॉर्मूला प्रूफिंग वगैरह ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपने, जो भी होगी, ठीक है जी। ठीक। ठीक है सर, कोई और ये अपने पाइवट भी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, पिवट्स। पाइवट्स का